नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कागज से हमारे जीवन में उपयोग होने वाली बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि नोटबुक, कार्डबोर्ड्स, बुक्स, पेपरबैक्स और भी बहुत कुछ। पर क्या आपको ये पता है कि फैक्ट्री में कागज को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कागज पूरी दुनिया में आया कैसे और ये कैसे बनता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कागज को बनाने के लिए मुख्य रूप से सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेड़ की लकड़ियों में मौजूद रहता है। सेलुलोज चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि अक्सर पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज के रेशों को जोड़कर कागज की पतली पतली परत का निर्माण किया जाता है। वैसे तो रुई में शुद्ध रूप से सेलुलोज पाया जाता है, जिससे कि कागज बनाया जा सकता है, लेकिन रुई का सेलुलोज काफी महंगा होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कपड़ों को बनाने में किया जाता है। कागज की गुणवत्ता सेलुलोज के शुद्धता पर निर्भर करती है। हालांकि रेशम और ऊन में भी सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन उसके सेलुलोज में काफी ज्यादा अशुद्धता रहती है, इसीलिए इनके सेलुलोज का इस्तेमाल कागज बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर कागज बनता कैसे है। दोस्तों, कागज बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पेड़ों का चयन किया जाता है जिसमें लकड़ी के रेशों की मात्रा काफी अधिक होती है। जब पेड़ों का चयन हो जाता है, उसके बाद उन पेड़ों को टुकड़ों में काट कर अलग अलग कर दिया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इसके छिलके को साफ कर दिया जाता है। इसके बाद पेड़ के टुकड़ों को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब पेड़ के बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है। उसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों में से लिग्निन को बाहर निकालने के लिए उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है और उसके बाद इसमें से लिग्निन को अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लिग्निन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्निन को बाहर निकाल लिया जाता है, उसके बाद इसे पानी से धोया जाता है और बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफी नर्म बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों का ब्लीचिंग हो जाता है, तो उसके बाद इसे और भी सघन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अब सघन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पल्प नामक मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। अब इस मिश्रण से कागज को बनाया जा सकता है। पानी से बने हुए पल्प को पेपर मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जिससे इसे कई सारी फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। पेपर की लंबी परत का निर्माण किया जाता है इस प्रोसेस से। पेपर की इन लंबी परतों को बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और अंत में इसका इस्तेमाल न्यूज़पेपर, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, पैकिंग बैग जैसे कई चीजों को बनाने में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर फैक्ट्री में इसको बनाने की प्रोसेस क्या है। वैसे शुरुआती प्रोसेस तो सेम ही रहती है, लेकिन इसको हम अच्छे से देखते हैं, समझ के देखते हैं कैसे बनता है ये। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कागज पेड़ की लकड़ियों से बनता है, इनमें से मुख्य रूप से कागज बिर्च, पॉपलर, बीच और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों से बनाया जाता है, क्योंकि इनकी लकड़ियों में रेशे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब इन पेड़ों को काट कर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अब इन लकड़ियों के ऊपर से मशीन के द्वारा ऊपरी छाल को निकालने की प्रोसेस की जाती है। इसके बाद इन लकड़ियों को ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब इन लकड़ी के टुकड़ों को डाइजेस्टर टैंक में कन्वेयर बेल्ट के जरिए भेजा जाता है, जहां इन लकड़ियों के महीन टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबालने का प्रोसेस किया जाता है और उबालने के कारण लकड़ी से लिग्निन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इसको कठोर बनाता है, वही लिग्निन और वुडन फाइबर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब इस वुड फाइबर को पानी में अच्छे से साफ करते हैं, जिसके कारण बचा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन भी रिमूव हो जाता है। फिर भी ये वुड फाइबर पेपर बनाने के लायक नहीं होता है, जिस कारण इसमें क्लोरीन ब्लीचिंग करते हैं पेरोक्साइड और ऑक्सीजन का यूज करके, जिस कारण वुड फाइबर पूरा साफ और पेपर बनाने लायक हो जाता है। अब एक अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाने के लिए वुड फाइबर में CaOC3 पर्याप्त मात्रा में मिलाकर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इस CaOC3 वुडन फाइबर में आवश्यकता अनुसार वाटर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे एक पतला पल्प यानी कि पेस्ट तैयार हो जाता है। और अगर इसे कलरफुल कागज बनाना है तो साथ ही साथ इसमें कलर को भी मिक्स कर दिया जाता है। अब इन सारे मिक्सचर को पेपर मेकिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर मशीन इस पेस्ट को पेपर में बदल देती है। इस मशीन में लाइन से बहुत सारे रोलर लगे होते हैं,
जिसमें प्रेशर के साथ इस पेस्ट को भेजा जाता है। रोलर से गुजरने के कारण इस पेस्ट से पानी धीरे धीरे अलग हो जाता है और साथ ही साथ कागज की एक पतली परत भी तैयार हो जाती है। अब अंत में इसे गर्म चैम्बर से गुजारते हैं, जिस कारण कागज के इस पतले परत से सारा पानी निकल जाता है और एक सूखा कागज बाहर आ जाता है। कागज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इसे लैब में इसके थिकनेस और क्वालिटी की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग सही पाई जाने के बाद इन सभी कागजों के बड़े बड़े रोल्स बना दिए जाते हैं और कुछ कागजों की शीट के तौर पर कटिंग कर दी जाती है। उसके बाद इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अलग अलग कंपनी में इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। कागज बनाने के लिए लकड़ी के अलावा सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि लगभग 100 लीटर पानी से 1 किलो पल्प तैयार होता है और इसके 90% पानी का फिर से यूज किया जाता है। दोस्तों, देखा आपने कि फैक्ट्री में पेपर किस तरह से बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कागज के इतिहास की। जैसा कि आप जानते हैं, कागज का इस्तेमाल तो पूरी दुनिया में हो रहा है और बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि कागज का इतिहास क्या रहा है, कि आखिर कागज का आविष्कार किसने, कब और कैसे किया? भारत में कागज का आविष्कार कब से शुरू हुआ? आज कागज के बिना हमारे सभी काम अधूरे हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या बैंक हो, व्यापार हो, ऑफिस आदि सारे काम। कागज का आविष्कारक चीन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम है काइलोन, जो कि चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईसा पूर्व में हन साम्राज्य के समय में कागज का आविष्कार किया था। कागज के आविष्कार के पहले लेखन के लिए आमतौर पर हड्डी, लकड़ी, बांस और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। इससे भी पहले 3500 ईसा पूर्व मिस्र में पेपर बनाने के लिए पेपर्स नाम के पौधे का इस्तेमाल किया गया था, जो नील नदी के पास उगाया जाता था। पेपर्स नाम के इस पौधे के नाम पर ही पेपर का नाम पेपर रखा गया। प्रारंभ में लिखने के लिए आमतौर पर बांस या रेशम के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परेशानी ये थी कि रेशम काफी ज्यादा महंगा था और बांस काफी भारी होता था। इसके बाद काइलोन ने एक ऐसा कागज बनाने की सोची जो सस्ता होने के साथ ही साथ हल्का भी हो और जिस पर लिखने में कोई परेशानी न हो। उस समय काइलोन ने भांग, शहतूत, पेड़ की छाल तथा अन्य तरह के रेशों की सहायता से कागज का निर्माण किया था। ये कागज चमकीला, मुलायम, लचीला और चिकना होता था। इसके बाद कागज का इस्तेमाल धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा। इस उपयोगी आविष्कार के कारण ही काइलोन को कागज का संत भी बोला जाता है। शुरुआत में कागज बनाने के लिए पौधों का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल पौधों को पानी के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता था, जिसे धूप में सुखा दिया जाता था। इसके बाद अलग अलग पौधों को लेकर अलग अलग तरह के पेपर बनाए जाने लगे और जैसे जैसे पेपर को बनाने वाले सांचे में बदलाव होता गया, वैसे वैसे ही पेपर और भी बेहतर होता गया और पेपर को बनाने में और भी ज्यादा आसानी होने लगी। पेपर का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन चीन इस पेपर को बनाने के तरीके को दुनिया में किसी को भी नहीं बताना चाहता था और इसी कारण पेपर कई सालों तक सिर्फ चीन तक ही सीमित रहा। भारत में कागज की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई। उस समय पेपर भारत में व्यापक रूप से नहीं फैल पाया था। इसको पूरे भारत में फैलाने में 12वीं शताब्दी तक का समय लग गया। बाद में इसका इस्तेमाल पूरे भारत में होने लगा। भारत की सबसे पहली पेपर मिल 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत शेरपुर पश्चिम बंगाल में 1812 में की गई थी, पर उस समय पेपर की कम खपत की वजह से इसे सफलता नहीं मिली। लगभग 1100 ईस्वी में कागज उत्तरी अफ्रीका में पहुंचा और 1150 ईस्वी तक ये एक धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप स्पेन तक पहुंच गया और यूरोप में पहला पेपर उद्योग स्थापित हुआ। 1453 ईस्वी में योहान गुटेनबर्ग ने छपाई प्रेस का आविष्कार किया। वहीं उत्तरी अमेरिका का पहला पेपर उद्योग फिलाडेल्फिया में 1690 में स्थापित किया गया। 1830 और 1840 के दशक में फ्राइडरिच गॉटलॉब और चार्लीस फेनर्टी ने लकड़ी के द्वारा कागज बनाने की शुरुआत की। चार्लीस फेनर्टी ने कागज बनाने के लिए प्रयोग होने वाली लुगदी को ब्लीच कर दिया ताकि कागज सफेद हो सके। इस प्रयोग ने पेपर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। बाद में 19वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी दुनिया के लगभग सभी प्रिंटर कागज बनाने के लिए कपड़ों के टुकड़ों के बदले लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे। आधुनिक समय में पेपर की क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है और ये पहले के मुकाबले काफी सस्ता भी है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।